डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पाणिनि द ग्रामेरियन। हम इसमें जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पाणिनि थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो संस्कृत जो लैंग्वेज है उससे ग्रामर को छाटा था। तो जैसे संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारी 6th क्लास में जो संस्कृत है, तो उसमें जो संस्कृत ग्रामर है वो किसने बनाई थी, महर्षि पाणिनि। द संस्कृत ग्रामेरियन एंड ए स्कॉलर इन एंशिएंट संस्कृत, कि जो ग्रामेरियन थे और जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंशिएंट संस्कृत, तो मान लो जो आपकी संस्कृत है और जो पहले की संस्कृत है, तो दोनों संस्कृत क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। पहले थोड़ी जो संस्कृत थी वो अलग होती थी, और फिर अब क्या है, अब संस्कृत अलग होती है। तो जो ग्रामेरियन थे और जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने एंशिएंट जो संस्कृत थी इसको, इसमें से जो महर्षि पाणिनि ने जो क्या छाटी थी, ग्रामर छाटी थी, किससे, संस्कृत से। तो ग्रामेरियन स्कॉलर्स ये काम किया था इन्होंने एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर। रिलेट विथ हेडिंग चैप्टर, आपको क्या करना है, ये जो रिलेट करना है इस चैप्टर की हेडिंग से। ही प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, कि जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज है इसके लिए जो ग्रामर है वो प्रिपेयर की थी, उसको उन्होंने बनाई थी। ही अरेंज द वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट इन ए स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। तो इन्होंने क्या किया था, जो वोवल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल और जो कॉन्सोनेंट है, इनको उन्होंने अलग अलग किया था, और वो भी स्पेशल ऑर्डर में। कैसे, जैसे जो फॉर्मूले लगते हैं किसके अंदर, एलजेब्रा के अंदर। तो जिन हमारी जो नेचुरल ट्रूथ जो सब्जेक्ट है वो कौन सी है, वो है मैथ। तो मैथ नेचुरल ट्रूथ कैसे है, तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ये 4 ही होंगे, ऐसे नहीं 8 हो जाएंगे 2 और 2। 2 + 2 कितने होंगे, 4 ही होंगे, 8 नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा नेचुरल ट्रूथ है। इसको जो पूरी इंडिया ये पूरे मानती है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ये 8 नहीं हो, ये 8 हो तो सकते हैं, लेकिन 2 और 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। तो जैसे एलजेब्रा है, तो उसके जैसे उन्होंने जो वोवल और कॉन्सोनेंट है इनको अलग किया था। ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लैंग्वेज होती है, जो संस्कृत लैंग्वेज होती है, तो इनको कैसे छोटे फॉर्मूले और इनके जो रूल्स है उसको छोटे फॉर्मूले में रटाया। तो पहले क्या होता था, पहले तो जो पहले की जो संस्कृत है और जो अब की संस्कृत है इसमें अलग है। पहले क्या होता था, पूरी संस्कृति होती थी, फिर जो पाणिनि आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रामर है संस्कृत ग्रामर बनाई, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो इन ये क्या बन गए, ये एक टीचर बन गए, ये जो फॉर्मूलेस होते हैं ये बच्चों को बताने लगे कि ऐसे फॉर्मूले होते हैं संस्कृत में, ये डेफिनेशन लर्न करनी है, तो ऐसे ये बताते थे। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया पाणिनि द ग्रामेरियन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे संस्कृत। पाणिनि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्क द स्टार्ट ऑफ क्लासिकल एरा, कि जो पाणिनि थे इन्होंने मार्क कर दिया है क्लासिकल एरा के अंदर, इन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें से इन्होंने क्या मार्क किया था, जो संस्कृत ग्रामर है उसको मार्क किया था। तो कई कई फ्रेंड्स जो वो ऐसे समझ लेना कि जो महर्षि थे, तो ऐसा नहीं है कि पहले से जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो बनी नहीं थी, पहले भी संस्कृत थी, लेकिन इसकी जैसे एकदम प्रॉपर वे में वो संस्कृत नहीं बनी हुई थी। तो संस्कृत तो जैसे हमने वेद पढ़े थे, वेद कब लिखे गए थे, आज से 3500 ईयर्स अगो।
हर से 3500 ईयर्स अगो जो वे थे वो लिखे गए थे, तो ये भी संस्कृत में लिखे गए थे। तो जो संस्कृत जो पानी नहीं थे, इन्होंने भी जो संस्कृत है वो राइट की थी, इसमें से इन्होंने ग्रामर भी छाटी थी। तो द मोस्ट एक्यूरेट एंड साइंटिफिस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड The most accurate and scientific language of the world. कि जो संस्कृत है ये क्या है, ये एक scientific language है पूरे world की। तो math क्या एक natural truth है, और इसमें क्या 2 और 2 4 होते हैं ये हमने देखा था, तो ये एक natural truth है। लेकिन जो scientific language है पूरे world की वो कौन सी है, संस्कृत। तो हमने बात कर ली पाणिनि द ग्रामेरियन के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात कर देंगे जैनिज्म की। तो जैनिज्म को किसकी, वर्धमान महावीर की। कि जो वर्धमान महावीर थे इनकी स्टोरी को हम समझेंगे। द लास्ट एंड 24 थिंकर्स ऑफ द जैन्स। कि जो वर्धमान महावीरा थे और जो थिंक तांकर होते हैं वो कितने थे, वो 24 थे जैन्स के। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, कि जो ये बैकग्राउंड है इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये तीर्थांकर है, कि जो तीर्थांकर थे ये 24 थे जैन्स के अंदर। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लच्छावीस, ए ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संगा। कि जो ये तीर्थांकर थे 24, इनमें से एक जो थे वो कौन थे, वर्धमान महावीरा। तो ये क्या थे, ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्षत्रिय हमने देखा था, क्षत्रिय कौन होती हैं, कि जो राजा के जो प्रिंस होते हैं। तो क्षत्रिय माने जो राजा की जो फैमिली होते हैं उसे हम क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये जो राजा थे उसके ये प्रिंस थे, ये उसके बेटे थे। ऑफ द लच्छावीस, कि जो लच्छावीस है उसके ये प्रिंस थे। ए ग्रुप दैट वाज ए पार्ट ऑफ द वज्जी संगा, और ये किसके पार्ट के थे, वज्जी संगा। तो हमने देखा था ये महाजनपद, वज्जी हमने महाजनपद के अंदर देखा था कि महाजनपद जो होते हैं, तो महाजनपद में एक वज्जी था, तो कि वो बहुत बड़ा जो किंगडम है वो वज्जी था। तो इसमें से जो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं, वर्धमान महावीरा है वो। और इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी सत्य की खोज में ये क्या किए थे, जो जैसे हमने बुद्ध की स्टोरी देखी, तो उसकी जैसे ये भी जो थे ये भी अपने घर से निकले थे, अपने घर बार को सबको छोड़ के ये अपने घर से निकले। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। तो इन्होंने 30 ईयर्स के अंदर अपना जो घर था उसे छोड़ दिया, और ही लेफ्ट होम, इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे रहने लगे, फॉरेस्ट के अंदर। तो ये जानना चाहते थे हम क्यों जीते हैं और हमारी डेथ क्यों हो जाती है, तो इसीलिए इन्होंने अपने घर को छोड़ा था और ये रहने लगे थे फॉरेस्ट के अंदर। तो हमने बात कर ली जैनिज्म के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फॉर 12 इयर्स ही हैड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ एट द एंड ऑफ व्हिच ही अटेंड एनलाइटमेंट। कि जो वर्धमान महावीरा थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 12 इयर्स में हार्ड वर्क किया था। ये हार्ड एंड लोनली लाइफ, इन्होंने बहुत मुश्किल से जो लाइफ है वो जी थी, और एंड एट अटेंड एनलाइटमेंट, और एंड में इन्होंने क्या किया था, कि जो एनलाइटमेंट है इन्होंने उसको पाकर दिखाया। तो पहले क्या होता है, अगर घर में रहते तो क्या होता, ये जिंदगी को जान नहीं पाते, लेकिन फिर ये घर से बाहर निकले, ये फॉरेस्ट में रहने लगे, इन्होंने शिक्षा देनी चालू की, खुद से खुद शिक्षा ली। तो इससे क्या हो गया, इनको थोड़ा पता चल गया कि जो जिंदगी है वो कैसे जीते हैं। और ये 12 इयर्स तक ये क्या घूमते रहे, हार्ड वर्क किया इन्होंने 12 इयर्स तक। ही टोड सिंपल डॉक्ट्रिन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिंपल डॉक्ट्रिन को फॉलो किया। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। कि जो अगर वो घर पे रह जाते, जो वो क्या अपने परिवार के साथ में रहते, तो वो क्या इतनी चीजें जान पाते, वो इतनी चीजें नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि अगर वो घर में रहते तो वो घर के काम ही
उनको पता चलता है कि घर में क्या काम हो रहा है, वो घर की पूरी राजनीति में रहते। लेकिन फिर वो क्या किया, घर से बाहर आए। वो क्या, जो वर्धमान महावीरा थे तो ये अपने घर से बाहर निकले। फिर ये कहाँ पे रहने लगे, ये फॉरेस्ट में रहने लगे। तो इसलिए जो ये घर से बाहर निकले और ये इन्होंने पूरा जो ट्रूथ था वो जान लिया, पूरा ट्रूथ जान लिया। फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ हिंसा। तो इन्होंने जो हिंसा है इसका रूल इन्होंने फॉलो किया। इसने दूसरा रूल है वो फॉलो नहीं किया, इन्होंने हिंसा का रूल फॉलो किया। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया जैनिज्म के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। सॉरी, इन्होंने हिंसा का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया था, इन्होंने अहिंसा। हिंसा माने क्या होता है कि इन्होंने किसी को मारा था, लेकिन जो वर्धमान महावीरा थे इन्होंने किसी को ये नहीं मार सकते थे, क्योंकि इन्होंने रूल एक ये था कि ये किसको नहीं मार सकते। तो इन्होंने अहिंसा का रूल फॉलो किया था, ये किसी को मारते नहीं थे। तो हमने जैनिज्म का बात कर लिया, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जेंट्स फॉलोवर्स ऑफ महावीरा, कि जो महावीरा के जो फॉलोवर्स थे वो क्या क्या काम कर क्या करते हैं। तो लीड वेरी सिंपल लाइफ, वो क्या करेंगे, वो सिंपल लाइफ ही जिएंगे। उनको ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने का, उनको खाना मिल जाएगा तो आराम से बल्ले बल्ले। बीजिंग फॉर फूड, कि उनको बस उनको जितना खाना चाहिए तो उतना ही लेना है, ऐसा नहीं बहुत सारा 5-6 दिन का साथ में ले लो। उनको खाना चाहिए तो वो तो इतना तो वो भीख मांग के भी तो खा सकते हैं। दे हैड टू बी ऑब्सोल्युटली होनेस्ट, और उनको क्या होना है, होनेस्ट होना है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो उनको पूरा होनेस्ट बोलना है, अगर झूठ बोले तो उन्होंने बोला कि हम मारेंगे। Especially ask not to steal, कि जो honest है तो उसको honest के अंदर एक सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि उनको बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी है। तो आपको मान लो उनको कोई अच्छी चीज़ लग गई तो इसको हम चोरी करके रहेंगे, तो ऐसे प्रण ले लिया और ही हम इसको फिर चोरी करके लिया है, तो ऐसा नहीं करना है इनको। और फिर क्या है, तो इनके अंदर कुछ चेंजेस आए, जैसे ट्रेडर्स को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, पहले हम फार्मर्स का समझते हैं। तो फार्मर्स हैं तो फार्मर्स को क्या होगा, खेती करनी होगी। और हाँ, उनका एक रूल क्या था कि वो एनिमल्स को भी नहीं मारना, उनको किसी को नहीं मारना, वो नॉन वायलेंस रहेंगे। और उनको क्या करना, क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स है वो भी वियर नहीं करेंगे, कि अगर कोई क्लॉथ वियर करना है तो कैसे करना है, जो वाइट क्लॉथ्स हैं या पूरे ऑरेंज कलर के जो क्लॉथ्स है वो वियर करना है, वरना उनको जो क्लॉथ है वो वियर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो अगर जैसे जो वर्धमान महावीरा थे तो इनके जो फॉलोवर्स थे तो उनको ये सारे काम है, तो महावीरा थे तो महावीरा क्या करते थे, इन सारे रूल को फॉलो करते थे। उन्होंने अपने घर बार को भी छोड़ा था, तो एक क्या बड़ा रूल है कि उनको क्लॉथ भी नहीं पहने, क्लॉथ पहने तो ये दो ही कलर के क्लॉथ पहन सकते हैं, वो भी एक क्लॉथ जो मान लो उन्होंने ऑरेंज का पहन लिया तो उनको हमेशा ऑरेंज कलर का क्लॉथ ही वो पहना, उनको वो क्लॉथ अभी भी चेंज नहीं करना। और क्या है, जैसे फार्मर्स है तो फार्मर्स को कैसे दिक्कत होगी, कि फार्मर्स है तो वो तो एनिमल्स को मारेंगे ही, क्योंकि जो फर्टाइल को ख़त्म कर देते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो क्रॉप्स होते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, इसलिए वो उसमें दवाई देते हैं। और दवाई से क्या हो जाते हैं कि जो एनिमल्स है वो ज़मीन वाले वो उनका कील हो जाता है, तो इसीलिए तो उनके थोड़ी दिक्कत आएगी। और जो ट्रेडर्स है तो ट्रेडर्स के क्या दिक्कत, वो तो मान लो जो फार्मर्स है वो तो उन्हें दे देंगे और वो आराम से ले जाएंगे, तो वो नॉन वायलेंस मूवमेंट फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने बात कर ली जैनिज, हमने एक वीडियो के अंदर दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, कौन से, एक तो जैनिज में, और हमने जो हमारा जो हमने महर्षि पाणिनि ग्रामेरियन के बारे में देखा, तो वो भी हमने एक वीडियो के अंदर टू टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।